करें कि द डिग्री इन बिटवीन थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर समटाइम्स ब्रेक डाउन, यानी कि क्या कहते हैं, हाँ कि इस केस में अगर देखो तो ब्लीडिंग इंजरी की वजह से नहीं हो रही, क्यों हो रही है, ड्यू टू कंजप्शन ऑफ क्लॉटिंग पैटर्न। तो कुछ उनका कहने का मतलब यही है, क्या समझ लो आप, ये ना समझो। अब हम नॉर्मल हीमोस्टेसिस की बात करते हैं। हीमोस्टेसिस इज़ अ प्रिसाइसली ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस, यानी एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, यही कहना चाह रहे होंगे, इन्वॉल्विंग प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर। क्या क्या काम कर रहे होते हैं, प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एंडोथीलियम जो बताया है कि वो चीज़ें रिलीज़ कर रही होती है जो होमोस्टेसिस में काम आ रही होती हैं, फिर अगर द साइट ऑफ वैस्कुलर इंजरी एंड कल्मिनेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, एंड पे ब्लड क्लॉट बन जाता है, विच सर्व टू प्रिवेंट और लिमिट द एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग। तो नॉर्मल हीमोस्टेसिस वही है कि कहीं ब्लीडिंग हुई हमारी इंजरी की वजह से, वैस्कुलर इंजरी हुई, ब्लीडिंग हुई, तो एंडोथीलियम प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर आएंगे, वो काम करेंगे और एंड अप कर देंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, राइट। तो यही है होमोस्टेसिस। The general sequence of the events leading to hemostasis at a vascular site is, अब जो फीचर क्या क्या हो रहे हैं, सबसे पहले arterial vasoconstriction हो रही होती है, तो vasoconstriction होती है that occurs immediately and it reduces the blood flow to the injured area, सही हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ मीडिएटेड बाई रिफ्लैक्स न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म, न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म भी हो रहे होते हैं वही पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाले, एंड मे बी ऑगमेंटेड बाय द लोकल सिक्रीशन ऑफ फैक्टर्स सच एज एंडोथीलियम, और इसके साथ और क्या क्या हो रहा होता है, हमारा एंडोथीलियम की सिक्रीशन हो रही होती है जो कि हमारी क्लॉटिंग में मदद कर, वो कॉन्स्ट्रक्शन में मदद कर रही होती है। अ पोटेंट एंडोथीलियम डिराइव वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, एंडोथीलियम की बता रहे हैं कि वो एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है जो कहाँ से आ रहा है, एंडोथीलियम से आ रहा है। दिस इफेक्ट इज ट्रांजिएंट, ये टेम्प्रेरी है, हाउएवर एंड ब्लीडिंग वुड रिज्यूम इफ नॉट फॉर एक्टिवेशन वगैरह। अगर हमारी ब्लीडिंग हुई यहाँ पर और हमारी ब्लीडिंग हुई और उसके बाद फ़ौरन वैसो कॉन्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, अब वैसो कहाँ लिख रही हूँ, दिख नहीं रहा क्या, सही, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई, अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो ये इफेक्ट जो है वो टेम्प्ररी होता है कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है प्रॉपरली, अब जब तो प्लेटलेट्स आके इसको भरेंगे नहीं, क्लॉटिंग फर्दर आगे नहीं होगी क्लॉटिंग, तो फ़ायदा नहीं है, ये इफेक्ट सिर्फ थोड़ी देर के लिए था हमारा, ताकि जब तक प्लेटलेट्स हमारे पास नहीं आते, ताकि जब तक हमारे पास प्लेटलेट्स वगैरह नहीं आते तब तक तो काम चल जाए, लेकिन ये इफेक्ट थोड़ी देर के लिए होता है, तो प्लेटलेट्स वगैरह नहीं आ रहे टाइम पे तो फ़ायदा नहीं है, ब्लीडिंग होती रहेगी, सही। तो अब हम आगे चलते हैं, अब प्राइमरी हीमोस्टेसिस की बात कर रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग। प्राइमरी हीमोस्टेसिस क्या होती है, प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन को कहते हैं, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, यानी प्लेटलेट्स आके लग रहे हैं, सही सही। अब हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस की बात करते हैं, जो क्या है, प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन, तो मैंने बताया था प्लेटलेट प्लग जब बनता है, और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस क्या होती है, जब आपके फिब्रिन प्लेटलेट प्लग में ही डिपॉजिट होने लग जाए, तो प्राइमरी प्लग, प्लेटलेट प्लग या प्राइमरी हीमोस्टेसिस एक ही चीज़ है। तो डिस्ट्रप्शन ऑफ द एंडोथीलियम, जब एंडोथीलियम डिस्टर्ब होगी, इट एक्सपोजेस द सब एंडोथीलियन वॉन विलिब्रॉन फैक्टर एंड कोलेजन दैट प्रमोट्स द, अब एक और चीज़ जो मैंने बताना भूल गई थी वो ये थी, अब हमारे पास एंडोथीलियम थी, जब ये एक्सपोज होगी यहाँ से एंडोथीलियम टूट गई, तो उसके नीचे कोलेजन होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं, और एक वॉन विलिब्रॉन फैक्टर भी जो है वो एक्सपोज हो जाता है जैसे एंडोथीलियम ब्रेक होती है, सही। तो वो वॉन विलिब्रॉन फैक्टर यहाँ एक्सपोज हो जाते हैं, और उस वॉन विलिब्रॉन फैक्टर के साथ आके हमारे प्लेटलेट्स जुड़ेंगे, जो मैंने बताया था पहले एक एडिजन जो होती है, तो प्लेटलेट्स का वॉन विलिब्रॉन फैक्टर के साथ आके जुड़ना एडिजन कहलाता है, सही। तो वही चीज़ मैंने बताया था कि वो एडिजन होगी, एक लेयर बनेगी, वो लेयर किस चीज़ पर चिपक रही होती है, वो एंडोथीलियम के नीचे होता है वॉन विलिब्रॉन फैक्टर, उसके ऊपर आके वो प्लेटलेट्स हमारे लग रहे होते हैं, और जो सेकंड लेयर होती है प्लेटलेट्स की वो कहाँ जुड़ती है, वो फर्स्ट लेयर ऑफ प्लेटलेट्स के साथ जुड़ती है, तो जो सेकंड लेयर आके जुड़ रही होती है उसको हम कहेंगे एडहेरेंस, और जो पहली जुड़ी नहीं, पहली को एडिजन कहते हैं और दूसरी को एग्रीगेशन कहेंगे, सही। उस प्रोसेस को एग्रीगेशन कहते हैं कि जो बाद में आके लेयर्स जुड़ रहे हैं, सही। अब हम आगे चलते हैं, एंड कोलेजन ये एक्सपोज हो जाते हैं, दैट प्रोमोट्स द प्लेटलेट एडहेरेंस एंड एक्टिवेशन, सही, प्लेटलेट्स की एडहेरेंस होगी। अब जो प्लेटलेट्स की पहली लेयर आके एडहेयर करती है ना, वो कुछ केमिकल्स मैंने बताया था ऐसे रिलीज करते हैं जो फर्दर प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं, तो प्लेटलेट एडिजन होगी, फिर प्लेटलेट एक्टिवेशन होगी, उसके बाद एग्रीगेशन होगी, सही।
एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट रिजल्ट इन अ ड्रामेटिक शेप चेंज फ्रॉम स्मॉल राउंडेड डिस्क टू फ्लैट प्लेट स्पाइकी प्रोट्रूजन दैट मार्किंग इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब सही, तो जब प्लेटलेट